हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ तो मिला। दोस्तों, यदि आप लोग भी इन गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर की वादियों में विजिट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए IRCTC लेकर आया एक शानदार टूर पैकेज। तो दोस्तों, इस टूर पैकेज के विषय में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें कितना चार्ज लगने वाला है, कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर होंगे, क्या फैसिलिटी मिलने वाली, कितने दिन का टूर होने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए हर कोई बेताब रहता है। यहाँ की हरियाली, झील, पहाड़, झरने, जो एक बार देख लेता है ये मंजर उसकी आंखों में बस जाता है। अगर आप भी धरती का स्वर्ग कश्मीर घूमना चाहते हैं तो IRCTC के इस टूर पैकेज के द्वारा आप लोग कश्मीर को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस टूर पैकेज का नाम जन्नत कश्मीर है। 5 नाइट्स और 6 डेज वाले इस टूर पैकेज की टूर डेट है 20 जून 2022। दोस्तों, इस टूर पैकेज के माध्यम से आप लोग गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर के साइट सीन प्लेसेज को विजिट करने वाले हैं। दोस्तों, इस टूर पैकेज में आप लोगों की जर्नी फ्लाइट के माध्यम से इंदौर से होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों को कौन कौन सी सर्विस मिलने वाली है। तो दोस्तों, इकोनॉमी क्लास में आप लोगों को एयर फेयर की सुविधा मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों को कौन कौन सी सर्विस मिलने वाली है। तो दोस्तों, इकोनॉमी क्लास में आप लोगों को रिटर्न एयर फेयर की सुविधा मिलेगी। एकोमेंडेशन की बात करें तो आपको 5 नाइट स्टे करने के लिए श्रीनगर के होटल में व्यवस्था की जाएगी। मील्स की बात करें तो आप लोगों को 5 ब्रेकफास्ट और 5 डिनर्स की सुविधा मिलेगी, लेकिन लंच की सर्विस नहीं मिलेगी। IRCTC की लंच से पुरानी दुश्मनी है। इसके अलावा यात्रा कार्यक्रम के अनुसार आपके सारे ट्रांसफर और साइट सीइंग प्लेसेस को विजिट करने के लिए टेम्पो ट्रेवल की व्यवस्था की जाएगी और जो भी एप्लीकेबल टैक्स होंगे इस टूर पैकेज में शामिल हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में कौन कौन सी सर्विस नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, ट्रेन फेयर या लंच की सर्विस आप लोगों को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि होटल, टिप्स, इंश्योरेंस, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्ज या लॉन्ड्री की सुविधा इस टूर पैकेज में शामिल नहीं है। आप लोगों का इन सर्विस को अगर लेना है तो आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा स्टिल या वीडियो कैमरा फीस का चार्ज भी इस टूर पैकेज में शामिल नहीं है, आप लोगों को इनका चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, एक जरूरी बात, सभी के पास वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड होना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि डेली का टूर प्रोग्राम क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट डे आप लोग इंदौर से अपनी फ्लाइट के माध्यम से श्रीनगर पहुंचेंगे और यहां के होटल में चेक इन करके डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे यहीं के होटल में करेंगे। सेकेंड डे आप लोगों की जर्नी श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम से श्रीनगर के लिए होने वाली। सेकेंड डे आप लोग पहलगाम के साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट करेंगे। पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग केसर की खेती और अवंती पुरान रुइंस को देखेंगे। थर्ड डे आप लोगों की जर्नी श्रीनगर से सोनमर्ग, सोनमर्ग से श्रीनगर के लिए होगी। दोस्तों, सोनमर्ग की बात करें तो सिंध यहाँ से घिरा हुआ है और ट्राउट और महासीर के साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। गर्मियों के महीनों के दौरान थजीवास ग्लेशियर तक की यात्रा के लिए टट्टू किराए पर लिए जा सकते हैं। फोर्थ डे आप लोगों की जर्नी श्रीनगर से गुलमर्ग, गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए होगी। फोर्थ डे आप लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद गुलमर्ग के लिए बाई रोड पुलों की घास के मैदान को विजिट करेंगे और खिलनमर्ग तक एक छोटा सा जो ट्रैक है जो आप लोग अपने खर्चे पर यहाँ पर विजिट करेंगे। इसके बाद आप लोग श्रीनगर वापस ड्राइव करेंगे। श्रीनगर के होटल में डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे यहीं पे करेंगे। फिफ्थ डे आप लोग श्रीनगर के लोकल साइट सीइंग प्लेसेज को विजिट करेंगे। श्रीनगर में आप लोग शंकराचार्य मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद आप लोग मुगल गार्डन, चश्मा शाही, परी महल, बॉटनिकल गार्डन और शालीमार गार्डन को विजिट करेंगे। इसके बाद आप लोग डल लेक के बीच में स्थित फेमस हजरत बल श्राइन को विजिट करेंगे। सिक्स डे आप लोग अपनी फ्लाइट के माध्यम से इंदौर के लिए रिटर्न हो जाएंगे। इसके साथ ही इस टूर का द एंड हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में कितना चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों, सिंगल अकूपेंसी के आधार पर पर्सन चार्ज है 47,700, डबल अकूपेंसी के आधार पर पर्सन चार्ज है 34,500, ट्रिपल अकूपेंसी के आधार पर पर्सन चार्ज है 33,500, चाइल्ड विद एक्स्ट्रा बेड 5 to 11 ईयर्स 31,200, चाइल्ड विदाउट एक्स्ट्रा बेड 5 to 11 ईयर्स 27,200। दोस्तों, इस टूर पैकेज से संबंधित जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं उनकी अच्छी तरह से जानकारी ले लें जिससे आगे चलकर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, अगर आप लोगों को बुकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है या आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के इस टूर पैकेज की पूरी जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कुछ तो मिला चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।